हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस ऑफ इंडिया। मेरा नाम है राहुल यादव। और 1600 मीटर की भर्ती जैसे पास आई गई बिल्कुल, कि 1600 मीटर भागते कैसे है टाइमिंग, इसमें आपको पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड कैसे लगाना है, इसमें आज हमारे राउंड पर टाइमिंग है। पहले इनकी टाइमिंग ली जाएगी, फिर ये जो जो गलती करते हैं, जो टाइमिंग आती है उसके बाद जो गलती करते हैं, मैं आपको गलती बताऊंगा इन्होंने क्या गलती की और क्या किसने क्या सही किया, वैसे क्या आएगी इनकी टाइमिंग आज देखते हैं हमारी ये 1600 मीटर की टाइमिंग। तो फिर रेडी है बॉयस? चलो शाबाश शाबाश चेतन, अभी से पीछे चलेगा तो जाएगा। सचिन चेतन पंकज पंकज आगे निकल जाए। चला 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 चला, स्लो हो गया है, दो राउंड बाकी। योगेश कवर कर, संदीप देवेंद्र सवा सवा देवेंद्र चल सचिन hmm?
बत्तीस से फिर पाँच चौंतीस, पाँच सैंतीस, पाँच उनचालीस, पाँच बावन, पाँच सत्तावन, पाँच उनसाठ, छः जीरो, ये थी हमारी आज 1600 मीटर की टाइमिंग के साथ में देखा है इसमें क्या बंदे भागे, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि इन्होंने गलती क्या क्या करी है इसमें, कि अब पहला राउंड कैसे लेके गए, तो दूसरा तीसरा और चौथा राउंड कैसे लेके गए। अगर आपको एक एवरेज 5-0 की टाइमिंग भी लगानी है तो आपको पहला राउंड कम से कम 1-8 का और 1-10 का लेकर जाना ही पड़ेगा। अगर आप पहला राउंड 1-8, 1-5 अगर इससे नीचे अगर आप जाते हैं तो फिर बॉडी आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आप क्या टाइमिंग लगा रहे हैं आपकी। अगर आप लास्ट राउंड तक आपको तो आपको 80 से 85% आपके जैसे 400 मीटर जो लगाई आपकी बेस्ट 400 मीटर 1 मिनट या 1 मिनट से नीचे होनी चाहिए, तभी आप पहला राउंड 1-8, 1-10 का ले जा सकते हो। अगला राउंड अगर आप 1-12, 1-10 से 1-12 से 1-15 तक भी अगर मेंटेन करोगे सेकंड और थर्ड राउंड, तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और लास्ट राउंड जो बचता है, लास्ट राउंड आपको कम से कम 1-10 तक तो आपको लास्ट 100% एफर्ट पे लगाना ही पड़ेगा, तो आपकी टाइमिंग 5 मिनट या 5 मिनट से नीचे आराम से आ जाएगी और इसमें आप आपकी भर्ती निकाल सकते हो। इन्होंने यहाँ पर गलती करी, हमारा ग्राउंड वैसे थोड़ा सा बड़ा है, 10 मीटर ज़्यादा है, लेकिन जैसे आप देख सकते हो कि ये गलती आप ना दोहराएं। वहाँ पर भर्ती में ये प्रैक्टिस सेशन था, इनको मैंने कोई गाइडेंस नहीं दिया है, लेकिन ये अधिकतर 5 से 10 बच्चे भर्ती पास है इसमें आज के टाइमिंग में। लेकिन आप ये गलती ना करें, टाइमिंग क्या है, टाइमिंग का आप ध्यान ना दें, पहले आप अपना पेस बनाएं कि पेस जैसे कि आपको वर्कआउट आपको 400 मीटर पर ध्यान देना है, आपकी 400 मीटर 1 मिनट या उससे नीचे एक बेस्ट रहनी चाहिए, अगर तभी आप अपने को लैप जो पहला दूसरा तीसरा और चौथा लैप सही से लगा सकते हो। तो ध्यान रखें, फिर से आपको बताता हूँ, पहला राउंड 1-8 से 1-10 के बीच में, दूसरा और तीसरा राउंड 1-12 से 1-10 से 1-15 के बीच में आपको मेंटेन करना है, और लास्ट राउंड आपको 100% एफर्ट लगा के 1-10 तक लेकर आना है, ठीक है। तो ऐसा आप लगाओगे आपकी भर्ती आराम से पास होगे। तो आपको कैसा लगा हमारा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए प्लीज़। 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले जल्दी, आपके सहयोग से जल्दी पूरा होगा, और अगली बार फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।